वो क्या कहावत है वो कि घर की मुर्गी दाल बराबर है, और वैसे ही होता है, घर की जो सब्जियां होती हैं ना, जो रोज रोज घर पे बनती हैं, वही आलू की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी, तुरई की सब्जी, टिंडे की सब्जी, करेले की सब्जी, बैंगन की सब्जी, उन्हें कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता। सब लोग जो है ऐसे नाक चढ़ा लेते हैं, तो अरे फिर वही सब्जी। लेकिन जब घर से बाहर जाते हैं, है ना, जब हॉस्टल में जाते हैं, काम करने जाते हैं, घर से निकलते हैं, तो घर की सारी वही सब्जियां याद आती हैं, और तब लगता है यार बस वो बहुत हो गया। अब मतलब सिर्फ एक सिंपल घर की सब्जी हो, एक दाल हो, रोटी हो, लगता है ना। तो जिस सिंपल घर की सब्जियां बनाने के लिए मैं हूं रणवीर ब्रार, और मिलते हैं म्यूजिक के उस पार। कॉलिंग एंड एक्शन। आज की जो क्लास है वो क्लास है घर की आलू गोभी। और घर की आलू गोभी बनाने के लिए हमको चाहिए आलू और गोभी, ठीक है जी। एक तो गोभी जब भी लाएं तो ज़्यादा बड़ी बड़ी ना लाएं, छोटी गोभी लाएं। दूसरा, जब आप गोभी लाएं तो उसको ये कोशिश करें कि कम से कम एक दो दिन छोड़ दें। एकदम से ताज़ी ताज़ी गोभी की सब्ज़ी ना ही बनाएं, बिकॉज़ उसमें पानी बहुत होता है, तो वो जब वो पकती है ना तो फिर बहुत ज़्यादा गल जाती है, एंड दैट्स व्हाट वी डोंट वांट। और डंठल बिल्कुल ना फेंकें, और ज़्यादा छोटे छोटे फ्लोरेट्स ना काटें, क्योंकि गोभी जब चलेगी ना तो थोड़ी तो अपने आप भी टूटेगी। तो ये तो आलू गोभी की गोभी हो गई। अब आलू, आलू जब भी लें तो मीडियम साइज़ के लें, ना बड़े ना छोटे। अगर बहुत छोटे होंगे तो छीलने में बड़ा झंझट होगा, है ना, वेस्टेज ज़्यादा होगा। ज़्यादा बड़े लेंगे तो हमारी दादी कहती थी, देखो बड़े आलू मत ले के आना, अगर ख़राब निकला तो बड़ा नुकसान होगा। हाँ, तो इसलिए मीडियम साइज़ के आलू लें, अगर ख़राब हो जाए तो दर्द थोड़ा कम होता है, अगर अंदर से ख़राब निकले तो, ठीक है। तो आलू मीडियम साइज़ के, और उनको कर लें जी पील। तो जी आलू ना ज़्यादा बड़े काटेंगे ना ज़्यादा छोटे काटेंगे। अंग्रेजी में एक शब्द होता है जी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन लगने के ऊपर किसी भी चीज़ का रिएक्शन, तो आलू में भी होता है वो ऑक्सीडेशन। इसलिए आलू कभी भी स्टोर करें तो पानी में डाल के स्टोर करें, या फिर ऑयल में मैरिनेट करके स्टोर करें। पानी या तेल की वजह से ऑक्सीजन जो है वो आलू के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा और ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अच्छा, हमने 50-50 वाला फॉर्मूला लिया है, आपने देख ही लिया है, जितनी गोभी उतना आलू। फाइनली चॉप जिंजर। ये सब्जी मैं बगैर प्याज के बना रहा हूँ, आप चाहे तो बगैर लहसुन के भी बना सकते हैं। ये लहसुन लिया, क्रश किया और बारीक 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 चॉप कर लिया। देखो जी, ये मैं ये कह दूँ कि जो मेरी रेसिपी है ये आलू गोभी की, तो गलत होगा ना। हर घर की रेसिपी है ये, तो ये जो है हमारे घर की रेसिपी है आलू गोभी की। ये पहले श्रीमती जगीर कौर बनाती थी, यानी कि हमारी दादी जी। अब श्रीमती सुरिंदर कौर बनाती हैं, यानी कि हमारी मम्मी जी। क्या कहते हैं पंजाबी में, बराड़ा दी रेसिपी है जी, और ख़ास तौर जब घर की याद आ रही हो ना तब। तो जी ये हो गई कहानी घर घर की, कहानी घर घर की स्टारिंग आलू गोभी। हंसते खेलते जो खाना बन जाए अच्छा है जी। क्या रखा है, थोड़े मसाले। तो ये मसाले जो हैं आप पानी में भी घोल सकते हैं और दही में भी घोल सकते हैं, मैं पानी में घोलता हूँ। मसालों में जी ये गई हल्दी, ये गई देगी मिर्च। हाँ, मिर्च ये स्पाइसी वाली मिर्च नहीं है, ऐसे लोग कलर देख के एक्साइटेड हो जाते हैं रणवीर का। हींग भी मैं इसी में डाल देता हूँ, ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो सीधा तेल में भी डाल सकते हैं। और ये गया जीरा, जीरा भी टू मच नहीं, बहुत ही बेसिक रेसिपी है, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, तब भी तो घर की याद आती है। अगर हर एक चीज़ दबा के डाल दी तो फिर रेस्टोरेंट स्टाइल नहीं बन जाएगी। घर की खूबी वही होती है कि वो घर की छोटी सी मसालेदानी में, वही गिनती के मसाले, और उसी मसालेदानी से कितने सारे टेस्ट निकल आते हैं। देखो डाल दो जी, डाल दो। और जैसे ही जीरा चटक गया, वैसे ही अदरक लहसुन हरी मिर्च, नाइस। बस अब हमारा मसाले का पानी, मसाले को पका लेना है जी। पकाना कब तक है, जब तक ये तेल नहीं छोड़ता। ओ तेल बोल दिया, घी नहीं छोड़ता। ये देखो मसाले ने तेल छोड़ दिया,
मतलब मेन चीज क्या थी इसकी प्रॉब्लम, धनिया और हल्दी पकनी चाहिए थी, है ना। तो इसका मतलब धनिया और हल्दी पक गई है, नहीं तो कच्ची हल्दी की स्मेल आती रहेगी, क्योंकि इसके बाद ज़्यादा पकने का मौका नहीं मिलेगा। ये लो डन। ये गाढ़ापन जो है धनिया की वजह से है। अब इसके बाद डाले इसमें आलू, थोड़ा सा आलू का पानी भी आ जाना तो कोई नुकसान नहीं है। ये वो जो मसाले का पेस्ट बनाया था ना, यहाँ तो उसके अंदर नमक डाल सकते थे, यहाँ नमक डालने का वक्त अब है, ठीक है जी। तो ये गया नमक, पानी का बिल्कुल थोड़ा सा छींटा और नमक डाल दिया, पानी का हल्का सा छींटा मार दिया, चला दिया ताकि नमक मिक्स हो जाए। और इसके बाद जी ढक्कन लगाओ और स्लो गैस पे छोड़ दो और मम्मा को कॉल करो और पूछो उनके क्या हाल है। अच्छा, गैस जो है वो बिल्कुल धीमी आंच पे होनी चाहिए, और अगर कढ़ाई है घर पे तो कढ़ाई में बना लें। हाँ, कढ़ाई में बड़ी अच्छी बनती है सब्जी, नहीं तो मोटे तले का बर्तन इस्तेमाल करें। और बाकी अपने पानी में ये पकता रहेगा, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बीच में पानी का छींटा मार दीजिएगा, लेकिन एक बार ढक्कन लगाया बिल्कुल स्लो फ्लेम पे तो 10 मिनट तक इसके पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है, अकेला छोड़ दीजिए इसको। वो अंग्रेजी में कहते ना, व्हेन यू आर लुकिंग यू आर नॉट कुकिंग। बीच में एक आधी बार चलाना भी है, मतलब हमने शॉट नहीं लिए क्योंकि हम लगे हुए थे फ़ोन पे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं चलाएंगे, लग जाएगा, तो बीच में चला लीजिएगा उसको। ये देखिए क्या बढ़िया बनी है, और मैंने मोटा मोटा जो है काटने को इसलिए बोला था क्योंकि ये देखिए अभी गल रही है तो अपने आप छोटी छोटी कट जाएगी। ये देखिए, ये देखिए, देखा आपने, फर्स्ट क्लास गल गई है जी। अब मेरा प्रिय मित्र धनिया एकदम होम स्टाइल। और होम स्टाइल में अगर बरार होम की बात करें, बरार होम में तो धनिया पड़ता है जी ठोक के। अच्छा, एक चीज़ और है, सब्ज़ी बनाएं, गरम गरम लें, उसके ऊपर धनिया वनिया डाल दें, फिर उसको छोड़ दें, दो चार मिनट छोड़ दें, जो उसके अंदर की भाप है निकल जाएगी तो सब्ज़ी अपनी शेप पकड़ लेगी, वरना आप उसको चलाते रहेंगे और आप बनाने जाएंगे सब्जी, बन जाएगा हलवा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। ये गोभी आलू का कीमा नहीं बनाना, गोभी आलू की सब्ज़ी बनानी है। मैं जब US में था ना, मेरे को तो फ्रेंच रेस्टोरेंट चलाता था, ये वो सब ठीक है, लेकिन घर आके वो जो घर जैसी सब्जी जो है ना, पूरी दुनिया घूम के इंसान आता घर ही है ना। और ये रहे रणवीर ब्रार आलू गोभी खा के आपको चढ़ाते हुए, मैं बता रहा हूँ इतना कोई गुलाब जामुन समोसे कचौड़ी से नहीं चढ़ा सकता, इतना अच्छी आलू गोभी से चढ़ा सकता है। तो अच्छी सी आलू गोभी बनाइए और फोटो में लगाइए और चढ़ाइए सबको, और वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। डिटेल्ड रेसिपी बारीकियों के साथ, इंस्ट्रक्शंस के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्लीज चेक इट आउट।